वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम सोमवार को पूरा हो गया और सर्वे की रिपोर्ट 2-3 दिन बाद कोर्ट में पेश नहीं की जाएगी। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के वुजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे में ऐसा कुछ नहीं मिला है। इसके बाद से ही सवाल उठने लगा है कि ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर है। वुजू खाने में मिला शिवलिंग जो ज्ञानवापी में 3 दिनों तक चले सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने सोमवार को शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश जारी कर शिवलिंग के आसपास जाने पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने शिवलिंग को संरक्षित करने और प्रांगण को सुरक्षा देने का आदेश दे दिया। हिंदू पक्ष ने बताया कि नंदी की मूर्ति के पास सर्वे में 12 फीट का शिवलिंग मिला है। इसके साथ ही हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान शिव की सवारी नंदी के मुख की दिशा शिवलिंग की तरफ है। नंदी भगवान भोलेनाथ के वाहन है और उन्हें भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी की बनावट और वहां की कलाकृतियां बिल्कुल मंदिर जैसी हैं। इसके साथ ही हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां दीवारें मंदिर की तरह बनी हैं। ज्ञानवापी सर्वे के बाद हिंदू पक्ष का दावा यह भी है कि पश्चिम दीवार पर घंटी की आकृतियां बनी हुई हैं और कभी मस्जिद की दीवार ऐसी नहीं हो सकती। इसके साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि औरंगजेब के दरबारी के दस्तावेज में यहाँ मंदिर का जिक्र है। इसके साथ ही दस्तावेज में मंदिर गिराने का जिक्र होने का दावा किया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दिनों तक चल रहे सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा कर लिया है कि मस्जिद परिसर में बाबा मिले हैं। उन्होंने कहा कि तालाब का पानी हटा तो भगवान विश्वेश्वर मिले और इसके बाद पूरा परिसर हर हर महादेव से गूंज गया। अब हिंदू पक्ष का कहना है कि हम पश्चिमी दीवार की जाँच की मांग करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के बाद मुस्लिम पक्ष ने कहा कि कोई बाबा नहीं मिले हैं और सर्वे में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सारी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से सर्वे हुआ और शांतिपूर्ण सर्वे का काम पूरा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।